So to iterate, the only way to understand emotions is to observe someone's manner. Okay, finally this part session. Now let's move on to the second part. Here we go. We have two parts. First, basic concepts. Second, manifestation. So our manifestation. बड़ी खूबसूरत है। एक बार कंपोजिशन ऑफ इमोशन। इमोशन के रूट वर्ड में वर्ड है मोटिव। मोटिव मतलब मोशन, मूवमेंट। सो इमोशन ध्यान सुनिएगा। इमोशन नेसेसरीली इन्वॉल्व्स व्हाट? फिर से क्या? इमोशन necessarily involves motion. That motion can either be observable in terms of gestures, postures or expressions, or it may happen inside the body. It may happen outside the body but inside the body. जो outside दिखेंगे मुझे वो gesture, posture, expression से दिख जाएंगे, जो अंदर होता है वो किसी और को दिखेंगे दिखे लेंगे मुझे दिखते हैं। जो आपके अंदर हो रहा है वो मुझे दिखेगा। प्रॉब्लम कैसे दिखेगा? जैसे कि आपने उपवास किया। उपवासी क्या है? उपवासी है, उपवासी का बोर्डम से रिश्ता नहीं है। उपवासी इज एन अटेम्प्ट ऑफ बॉडी टू री ऑक्सीजनेट इटसेल्फ एंड दैट कैन हैपन फॉर वेरियस रीजंस। लोगों को उदासी में भी आती है उपवासी, लोगों को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते वक्त भी आती है। साइकोनोसिस यहां तक कहता है कि अगर आप इस चीज से भागना चाहते हैं किसी चीज को, आपको उबासी लगता है क्योंकि ब्रेन का नाम है सुनाना चाहता है। अरे सर इमोशन समझ नहीं थी, अमेजिंग चीजें किसी दिन बात करेंगे। और लेकिन जो हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ इमोशन, यानी इमोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी यहां है वो तो होना ही, या तो वो बाहर ऑब्जर्वेबल होगा या वो ऑब्जर्वेबल ना होके लेटेंट होगा, पर वो होगा तो सही। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एक छोटा सा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। राजन जी आपको मान लीजिए ये डांट रहे सर आपके बॉस, अब सुनिए मॉडर्न मैन मैन ह्यूमन मतलब मुझे बड़ा जेंडर वेल उसमें बड़ा डायरेक्ट है सेंसिटिव एकदम से हम लोग हो जाते हैं। राजन जी यहाँ कहना आप इन्हें डांट रहे, इनके अंदर का इमोशन जो है ना सबसे पहले जिसे कहते हैं फेमस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इनकी इच्छा होगी या तो जड़ में यहां से निकल लो, भागो, दो ही तरीके हो सकते हैं, या फिर फ्रीज हो जाते हैं। चलो फ्रीज ज्यादा नहीं चल सकता, थोड़े समय फ्रीज होता है। तो आप यहां हैं, आप डांट रहे हैं, इनकी इच्छा होगी कि या तो ये जड़ में या यहां से भागो। सोसाइटी में होने की वजह से ये दोनों ही नहीं कर सकते, बस इसके बाद इनको पसीना आना शुरू। इनकी आर्म पिट में सबसे पहले यहां, अधिकतर लोग यही समझते हैं जो फोन पर बात करते हैं और उनको अगर आर्म पिट पर पसीना आने लग गया है तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी बॉडी में बता रही है ताकि वो कंप्लीट कॉन्शियस हो। व्हाट एवर कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन विद हूएवर इट इज, यू शुड नो इट and you have to solve it, otherwise more or less आगे पीछे sooner or later it will become a problem। body बता दिया आप नहीं करना चाहते बात पर कर रहे हो, जो आप नहीं करना चाहते तो भी कर रहे हो, तो आप actually भागना चाहते हो पर आप भाग नहीं पा रहे, तो आपकी body तैयार तो आपको किसके लिए कर रही है? भागने के लिए। धड़कन बढ़ा रही है, सांस अंदर ला रही है, तो पूरी तैयारी थी इसकी। बॉडी उसको क्या मतलब इमोशन को, तो एक लाख साल पुराने ब्रेन का याद कीजिए, याद कीजिए अभी तो बात कर रहे हैं ना, तो उसको तो बॉडी को इसके लिए तैयार कर रहे हैं सर, अभी भागने के लिए, झाड़ मारने के लिए, सॉरी पर ये कर सकता है? नहीं कर सकता, पर बॉडी किसके लिए तैयार कर रही है? उसी के लिए, पर कर नहीं सकता। बस अब वो वहां खड़ा रहता है, बॉडी भाग रही होती है लेकिन हिल भी नहीं रही होती। अब दिल धड़कना शुरू होता है,
सांस तेज चलना शुरू होती है, पसीना आना शुरू होता है और हमारी इच्छा होती है कि आप भाग जाएं यहां से, इसको लड़ दें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करने वाले। बस ये मॉडर्न मैन का विषय है। That is the trauma of modern. Emotions prepare the body to do something that society doesn't allow it to do. जब मेरा employee ऐसा करता है ना, मतलब employee को बोल के मेरा team member जो ऐसा करता है, मुझे दिखना शुरू होता है, मैं उसे कहता हूँ, अब मैं किस पर बात? मुझे दिखने लग जाता है, सांसें गहरी जा रही हैं, ऐसा हो रहा है। जमाने में जाते थे गाली बोलते, गॉसिप इज हेल्दी, हु टोल्ड यू गॉसिप इज अनहेल्दी? सब मैंने कोई पढ़ने बिना साइंस के तो बांटते रहो, उन्हीं से होता है सब। आइडियलिज्म, आदर्शवाद, अपनी कंपनी का नाम मिलो ना तो सर चुका के बॉस का नाम भी ऐसे लेते हैं जैसे पागल समझ रहे हैं। थोड़ा इंसान इंसान के जानवर, सॉरी मैं आज के लिए नेचुरल स्टो पूरा मत मारेगा, मेरा खुदा डर में है। सही सच है, गॉसिप इज हेल्दी, गॉसिप गिव्स वेंटिलेशन टू लाइफ, ऑफ कोर्स। आई मैम, आइडियलिज्म इज द फर्स्ट स्टेप टू हिपोक्रेसी, आदर्शवाद दोगलेपन की शुरुआत। आप जब आदर्श होना बंद करते हैं तो आदर्श होने के करीब शायद पहुंचने लगे। डोंट हैव टू वरी, लेट्स बी मैच, लेट्स बी सॉर्टेड, दैट्स द वर्ड, लेट्स बी सॉर्टेड, सुलझाने आसान है। मुझे मालूम है कि आप गाली बकेंगे मेरे बारे में, गाली क्या है, हो गया ना, वो इमोशन है, हर बार थोड़ी गाली बक सकते हैं हम, करना आपको अच्छा बोलता हूँ, क्या बोलूँ सर, आवाज मिला पागली पे आगे जाएगी, बड़े खूबसूरत शेर है उनका, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना है कई बार मिलना है, क्या बात है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना है कई बार मिलना है, तो गलत क्या है, समझ में वापस। तो वो इमोशन जरूरी है, अच्छा वो इमोशन का क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्या है, मोशन, और वो मोशन या तो या फिर इनसाइड, और अगर मोशन अंदर और बाहर है तो आइए, और इसीलिए मैं आपको प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने आसपास जब देखें तो ये देखें कि लोगों में वो कौन से अंतर आ रहे हैं जो बेचारे बता नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, और बिजनेस कंपोजिशन ऑफ इमोशन हमेशा से ऐसे ही रहा है। आइए देखिए, एक कुत्ता भौंका, सॉरी हमें टू बोल रहे हैं कॉमिक तरीके से बोल रहा हूं, एक कुत्ता भौंका, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ आपको, कुत्ते को नहीं होना आप ही को, और उसको तो चुके होना, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस हुआ आपको है ना कि कुत्ता भौंका, उससे सबसे पहले कौन से चेंजेस आएंगे, दिल धड़के, प्यार में धड़कता है, अरे प्यार में जितना दिल धड़कता है उससे ज्यादा ट्राई कीजिए देखिए कुत्ता भौंकता पीछे से। तो कुत्ता पीछे पड़ा है या भौंक भौंक रहा है तो आपका दिल अपने आप, अच्छा आप आपको दिल धड़कने वाले पता चलता है कि धड़क जाता है तब पता चलता है, धड़क जाता है तब पता चलता है ना। अब देखिए यहां से एक बार सर, पैर जब डर लगेगा तो खून पैर की तरफ दौड़ेगा, जब गुस्सा आएगा तो हाथ की तरफ, ऐसे थोड़े उठा लेते हो लोग हैं तो थोड़े काट लेते हैं तो इधर खून आता होगा, और मैंने देखा लोग गुस्से में हाथ दीवारों पर मार देते हैं, मैंने क्या देखा, मैंने मारा होगा दो एक बार, हाथों की तरफ खून क्यों आता है पता नहीं, because now you have to fight, anger is good, anger tells you that there is something that should be changed, repeat, anger tells you that there is something that needs to be changed, it's a message, sadness is a message, don't shoot the messenger, listen to the message.
बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैंने, डोंट शूट द मैसेंजर। आप ध्यान से देखो, एक लाख साल पहले जब जाएंगे, आप ध्यान से देखिए, मुझे सरप्राइज होकर बताइए, सरप्राइज होकर बताइए, सरप्राइज देखिए, सरप्राइज में क्या कहते हैं, सरप्राइज होता है सरप्राइज में ये अपने आप क्यों अलग खुलेगी, बिकॉज मोर लाइट शुड एंटर आईज रेटिना को फॉल करें ताकि ज्यादा अच्छे से हम देख सके। जरा चिड़की तो सही ध्यान से देखिए, आप इसलिए करते बिकॉज डिस्कस्ट का जो रूट वर्ड है वो कस्टेर है, इसका मतलब है टेक एंड सेकंड। ध्यान से देखिए, ये जब ऐसा करते हैं तो इट इज एन अटेम्प्ट कि ये जो नॉस्ट्रल्स हैं क्लोज हो जाए ताकि जो बदबू है वो अंदर। अरे सर, इमोशंस आपकी बॉडी को लगातार तैयार करते हैं उस एक्शन के लिए जिससे आपका फायदा हो। आई होप यू गॉट द साइंस ऑफ इट। इमोशंस आर इवोल्यूशंस, प्रोग्रामिंग ऑफ योर बॉडी इन अ सच अ मैनर दैट यू सर्व द इवोल्यूशनरी गोल विच इज टू सर्वाइव एंड टू प्रोलॉन्ग इनफ टू पास ऑन द जीन्स। सेक्स इज नेचुरल इमोशन क्योंकि पास ऑन द जीन्स, जीन्स को पास ऑन ऐसे होंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बाद कौन सा चेंज हुआ? बॉडीली चेंजेस। उसके ऊपर आएगा ये दो काम, इमोशंस बॉडी से दो चीजें कराते हैं, क्या? अप्रोच या अवेयरनेस। आपको पता है आप कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाला बंदा जो है इंटरव्यू में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा, इंटरव्यू में अगर आप सेल्स के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, देख रहे हैं ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उससे सवाल पता है कैसा पूछे, उससे सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछे और उसकी बॉडी का पहला रिस्पॉन्स देखिए। हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जब हमारे को अच्छी लगती कोई चीज तो आगे की तरफ आना और बुरी लगती है तो नीचे। ये छोटा सा फर्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए जरा मैं बात कर रहा हूं, ओके, हाउ अबाउट ट्रैवलिंग, व्हेन, व्हाट्स माय फर्स्ट रिस्पॉन्स राइट? देखिए बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे पहला नॉन वर्बल बेसिक अगर चेक करना है तो कौन सा चेक कीजिए, अप्रोच या अवॉइडेंस, छोटी सी बात, अप्रोच या अवॉइडेंस, अप्रोच या अवॉइडेंस, अप्रोच या अवॉइडेंस, अप्रोच या अवॉइडेंस, ये दो चीजें तो करेंगे बॉडी में, इसके अलावा आते ही कुछ। तो पॉइंट इज प्रीटी सिंपल, अप्रोच और ये क्या है, तो चेक कीजिए जब आप कोई बात कहते हैं सामने से पहला रिएक्शन। अच्छा एक और चीज, इट इज ऑलवेज अ चेंज इन पोस्चर, नेवर द पोस्चर, लुक फॉर द इंस्टेंस व्हेन इट हैपेंस दैट गिव्स यू द मैसेज। छोटी सी चीज, यहां बैठे हैं आप, मान लीजिए आपकी बाइक यहां पर है, चलो टाउन बाइक है, मतलब आप क्या काम कर रहे हैं और आपके साथ जो है यहाँ पे आपका जूनियर काम और आप करते करते बोले यार एक काम करें संडे को क्या जाते हैं इस बार, इसका मतलब ये नहीं उसका पीछे की तरफ रिएक्शन आया, इसका मतलब ये कि वो काम जो है मक्का है मट्ठा है, रीजन और रहा होगा, हो सकता है उसके ससुराल में जो है वो उसकी साली को देखने आ रहा होगा, वैसे तो क्यों बजा तो पीछे कर रहा आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, एकदम मकान तो पीछे हटा के मैंने देखा था, तो जाके ये कांड कर रहा है। नेवर रीड क्यूज टू बी कंक्लूसिव, ऑलवेज रीड क्यूज टू टर्न क्यूरियस। क्या लाइन हुई मैम एक बार फिर से, I never thought I'd give such a wonderful line. सुना आपने? Never use cues to be conclusive. Always use cues to be curious. Never use cues to be conclusive. Always use cues to be curious.
ये जो अप्रोच अवॉइडेंस, ये बहुत चीजें और उसके बाद सर सबसे बड़ी चीज आती है अप्रोच अवॉइडेंस मतलब या तो खड़ा रहेगा बन जाएगा क्या बोलते हो बोला कोई लिखा होगा ये जो फाइट और फ्लाइट वाला काम है ये कुत्ते के साथ इसलिए होता है कि हमारा फैसिनेशन हमेशा जानवरों के साथ रहना ही है क्योंकि हम हैं वहीं से अरे साहब हैं वहीं से इसीलिए मैं अगर आपको गन्स के फोटो दिखाऊंगा तो आपको डरने लगेगा लेकिन सांप के फोटो देख के आपको मेरे को डर क्यों लगेगा बिकॉज इन लास्ट 2000 ईयर्स मोर पीपल ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट किल्ड बाय गन्स Last 1 lakh years, more human beings have got killed by snake bites. So fear from guns still hasn't become a part of our evolutionary program. I hope. Approach avoidance के बाद सबसे बड़ी चीज आएगी. The expression is very important. So, game part, ये सारी अभी तक की बात हो गई.